करुणा शांति और मैत्री के प्रतीक भगवान बुद्ध की पावन जयंती के साथ जुड़ रहा है। विश्व मानवता के लिए भगवान बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले प्रासंगिक था। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज भगवान बुद्ध के इन सभी उपदेशों को आत्मसात करते हुए वैश्विक लीडर के रूप में भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन करने और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, मात्र 9 वर्ष में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज भारत के संदर्भ में इसे लागू करके दिखाया है। 9 वर्ष पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा कुछ और थी। भारत के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में दुनिया कुछ और सोचती थी। लेकिन आज इन 9 वर्षों में ये व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज भारत के बारे में दुनिया की सकारात्मक सोच है। दुनिया में कई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आशा भरी निगाहों से देखती है। और उन स्थितियों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां भारत वैश्विक मंच पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, वहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर तैयार करने में, नए भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभारने में और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने में भारत ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे का नया संजाल तैयार हो रहा है, वाटरवे का निर्माण हो रहा है, आईआईटी, आईएम और एम्स जैसे नए नए संस्थान देश के अंदर बन रहे हैं। आज भारत अपनी एक नई पहचान के साथ फिर से एक नई शक्ति के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भारत की कोई सानी नहीं। करोड़ों लोगों को सिर ढकने के लिए आवास दे देना, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय बना देना, करोड़ों लोगों के हक के लिए ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर स्वास्थ्य बीमा का कवर करोड़ों लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य। भैया बहनों, ये केवल दुनिया में भारत के अंदर हुआ है। कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ लगातार 3 वर्ष से भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर किसी अन्य देश में नहीं मिल रहा है। और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी अकेले भारत ने किया है, दुनिया के अंदर किसी देश ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही अक्सर सह अपना मिशन मानते हुए आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। आपने देखा है, कोई सोचता था कि उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होंगे। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो कावड़ यात्रा शानदार तरीके से दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से निकलती है और हरिद्वार में हर जी की पेड़ी तक पहुंचती है। आज कोई कर्फ्यू का नाम नहीं लेता है। आज तो हमारा उत्तर प्रदेश न कर्फ्यू न तंगा, यूपी में है सब चक्का। आप मानते हैं ना इसको? आज उत्तर प्रदेश में कहीं कर्फ्यू नहीं है।
नहीं है। 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया पिछले 6 वर्ष के अंदर। 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया गया। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन दिलाए हैं। और अब तो हमने बजट में व्यवस्था कर दी है कि दीपावली और होली के अवसर पर एक फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी गरीबों के घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। भैया बहनों, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से लगातार दिया जा रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है। 1 करोड़ परिवारों को निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश में उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये जो परिवारवादी पार्टी भी आई है उनकी चुनाव के समय, ये परिवारवादी जब सत्ता में आते हैं तो तमंचावादी हो जाते हैं और युवाओं के हाथों में भी तमंचा पकड़ा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को, एक सामान्य नागरिक के जीने को, अधिकार को जबरदस्ती हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है भाइयों बहनों। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को उत्तर प्रदेश में वर्तमान में टैबलेट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और टैबलेट के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश का युवा अपने टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की स्थिति क्या थी, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं मार्केट में नहीं जा पाती थी, व्यापारी सिर झुका करके जैसे तैसे अपना व्यापार कर पाता था। कब फिरौती के लिए रकम की मांग हो जाए, कब रंगदारी के लिए कोई फोन आ जाए। शहरों की स्थिति तो ऐसी थी, मैं तो 5 बार सांसद था, दिल्ली में रहता था, गाजियाबाद आने की इच्छा नहीं होती थी, गंदगी का ढेर और साथ साथ कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति। कोई घर से निकला वापस आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता था। भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर गाजियाबाद ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे अच्छी स्थिति प्राप्त की यहां गाजियाबाद ने। और गाजियाबाद की इस प्रगति को हम सब ने देखा। आज गाजियाबाद गंदगी का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी। आज गाजियाबाद सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हमने पुलिस रिफॉर्म करते हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम गाजियाबाद में लागू कर दिया है और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश का दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए हैं। ये अपने आप में किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अपना बॉन्ड जारी हुआ है और गाजियाबाद का अपना बॉन्ड जारी हुआ है। भैया बहनों, आज हमारी सिटी सेफ सिटी है, स्मार्ट सिटी है और हमने इस कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। कोई सोचता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच की दूरी कभी कम हो पाएगी? मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में, गाजियाबाद से दिल्ली सटा हुआ है लेकिन इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लग जाते थे। आज भाइयों बहनों, मेरठ से गाजियाबाद 12 लेन का हाईवे तो तैयार हो चुका है, वह कब का प्रारंभ भी हो चुका है। अब अगले महीने
रैपिड रेल को भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। रैपिड रेल इस दूरी को और कम कर देगा। जिस दूरी को तय करने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 40 से 45 मिनट की दूरी में इस दूरी को तय किया जा सकता है। आज गाजियाबाद में अपना मेट्रो है। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कोई कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों, उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। हमें अवसर मिला, हमने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनाया और भव्य मानसरोवर भवन आज यहां पर गाजियाबाद की शोभा को बढ़ा रहा है। गाजियाबाद में एक नई दिशा, गाजियाबाद के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। पूर्वांचल भवन और उत्तराखंड भवन का निर्माण भी इस गाजियाबाद के अंदर वर्तमान में चल रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपके पास। गाजियाबाद ने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की है, इसको डबल इंजन सरकार में एक बार फिर से कई गुना स्पीड देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपका सपोर्ट और समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से प्राप्त हो, इसके लिए मंच आज एक बार फिर से आपसे अपील करने के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी दिए हैं। श्रीमती सुनीता दयाल जी एक बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही। मैं देखता था इधर आ जाए सुनीता जी, इधर आ जाए, अभी और जो लोग आएंगे सभी लोग का देखा। मैं देखता था इन्हें पार्टी जहां भेजती थी प्रभारी के रूप में, विधानसभा चुनाव में ये बुलंदशहर की प्रभारी थी, प्रत्याशियों को आगे करके अपने आप पीछे से रह करके सारे कार्यक्रमों का संचालन करती थी। परिणाम क्या था? बुलंदशहर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीती, सभी सीटें जीती। और भाइयों बहनों, जहां की जिम्मेदारी दी गई वहां पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही थी।